نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه रब्सर اللهم فقهنا في الدين اللهم फ़त्म في الدين ربي زدني علما नाफ़ुद्दीन يا رب العالمين السلام عليكم रबालमीन الله وبركاته वरम شاء الله आज हम सूर आल इमरान की आय नंबर सिक्सटी नाइन को देखेंगे कल हमने दो आयतें मुकम्मल की थी सिक्सटी सेवन एंड सिक्सटी एट आई थिंक तो उसमें अल्लाह सुबहान ने किस ताल्लुक से बयान किया था इब्राहीम के ताल्लुक से इब्राहीम आसमाम ना यहूदी हैं ना नसारा हैं बल्कि वो क्या हैं वो हनीफ़ मुस्लिमन हैं यानी यकसू मुसलमान हैं उनके ज़िंदगी का मरकज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है और वो उन्होंने कभी भी जिंदगी में शिरक नहीं किया किसी भी किस्म का शिरक नहीं किया तो अल्लाह सुबहान तै ने वहां पर

बहुत सिंपल सी आयत है छोटी छोटी आयतें हैं अब ये जो है ना रुकू मुकम्मल होने वाला है रुकू नंबर सेवन हम कर रहे हैं आयत नंबर 69, वद्दत। अब ये वर्ड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ठीक है वदत के रूट लेटर्स पहले हम देखते हैं वाव दाल दाल हमने कहा था अल्लाह इज्जत का नाम है एक अलूद अल ठीक है उसका क्या मतलब होता है बहुत चाहने वाला बहुत मोहब्बत करने वाला है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक नाम है अलवदूद उसका मीनिंग है तो यहां पर अल्लाह व तआला जो है वो एक ग्रोह के बारे में अहले किताब के ग्रोह के बारे में बता रहे हैं वा ये पास है इसके रूट लेटर है वाव दाल दाल टेंस है पेले माजी है वद्दा का मतलब होता है चाहना ठीक है चाहना तो वत चाहते हैं चाहता है चाहता है विश्व किसी चीज को चाहने को कहा जाएगा वद्दत ठीक है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम है अलबूद चाहने वाला मोहब्बत करने वाला अच्छा अब यहाँ पर ये यह जो बदत है उसके आखिर में ता आ रहा है तो हमें पता है कि पास में चार किस्म के ता होते हैं जबर जेर पेश और सुकून के साथ है ना ये फीमेल के लिए आता है फीमेल वो के लिए आता है ता तुम के लिए आता है ती भी तुम के लिए आता है मेल और फीमेल और तू जो होता है मैं के लिए आता है ये लास्ट में चार ता लगते हैं पहले माजी में अब यहाँ पर जो वत है यहाँ पर फीमेल के लिए आ रहा है अब फीमेल कौन है वो फीमेल चाहती है वो फीमेल कौन है यहाँ पर आगे वर्ड देखेंगे हम इफतुन ये यह यहाँ पर तोइफ़ातन गोल ता पर एंड हो रहा है तो जो वर्ड गोल ता पर एंड होता है मैक्सिमम नाइनटी नाइन परसेंट वो क्या होते हैं फीमेल होते हैं ठीक है कुछ एक दो एक्सेप्शन हो जाएंगे लेकिन नाइन्टी नाइन परसेंट जो ता गोलता पर एंड होते हैं वो वर्ड फीमेल होते हैं तो यहाँ पर चूंकि ये तौफ़ा फीमेल वर्ड है इसीलिए वद्दत आ रहा है अगर ये यहाँ पर तोयफा वर्ड मेल होता तो यहाँ पर सिर्फ वद्दा आता जैसे हम कहते हैं कौला मेल के लिए और कौलफ फीमेल के लिए हमने कई मरतबा ये वर्ड पढ़ लिया राइट कॉले उसने कहा कौलत तो उसने कहा लेकिन मेल अगर कहेगा तो कौला फीमेल अगर कहेगी तो कौलत सुकून के साथ उसी तरह से वद्दत उसने चाहा, वो चाहती है अब चाहती है नहीं आगे हम वर्ड देखेंगे उसी हिसाब से हम अपना उर्दू का जुमला बनाएंगे चाहता है तो रूट लेटर है वाव वा वा और फ विफा का मतलब होता है ग्रुप कोई ग्रोह उर्दू में भी आप उसको ग्रोह कहते हैं ग्रुप कहते हैं ठीक है ठीके? एक ग्रोह एक ग्रुप एक ग्रुप ठीक है हमने एक वर्ड पढ़ा था फरीक ग्रुप के लिए फरीक वर्ड भी हमने पढ़ा था ठीक है तो भी ग्रुप के लिए आता है और भी बहुत सारी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कुरान करीम में ग्रुप के लिए इस्तेमाल हुए हैं ठीक है तो अब तर्जुमा क्या होगा वत चाहता है तोइफा एक ग्रुप विश्ड अ ग्रुप मतलब वो चाहता है क्या चाहता है वो भी हम देखेंगे वत चाहता है एक ग्रुप एक ग्रोह ठीक है क्या चाहता है मिन अहले किताबी पहले वो ग्रुप किन लोगों में से मौजूद है वो हम देखते हैं मिन किताबी मिन. मिन है? हरफे जर प्रपोजिशन है मिन का तर्जुमा क्या होगा फ्रॉम से किसमें से अहली किताब में से अब अहले किताब का तर्जुमा हम करते हैं वह चाहता है एक से अहले वाले एहल का और आल का हमने आपको तर्जुमा बताया था एहल का तर्जुमा क्या होता है फैमिली मेंबर्स और आल का तर्जुमा होता है या तो फैमिली मेंबर्स या फॉलोअर्स और दोनों का कभी कभी तर्जुमा क्या होता है वाले भी होता है ठीक है एहल और आल का तर्जुमा कभी कभी वाले भी होता है वाले ठीक है पीपल पीपल का तर्जुमा भी होगा द तो पीपल ऑफ बुक अहल यानी वाले क्या वाले अल किताब किताब वाले किताब के रूट लेटर्स क्या हैं काफ ता बा ये अल से शुरू हो रहा है अल से कोई वर्ड शुरू होता है तो खास होता है कॉमन को प्रॉपर कर देता है अल नकिरा को मारिफा बना देता है यानी आम को खास बना देता है और अल का तर्जुमा क्या होगा इंग्लिश में द उर्दू में उसका कोई तर्जुमा नहीं होगा ठीक है उर्दू में तर्जुमा आप अल का नहीं करेंगे तो यहाँ पर अल किताब का तर्जुमा क्या होगा किताब द बुक इंग्लिश में द बुक और उर्दू में सिर्फ किताब वा, वा, चाहता है तो ही पतुन एक ग्रो, मिन अहले किताबी मिन से अहल वाले किताब किताब वालों में से या आप सिंपल कह सकते हैं अहले किताब में से ठीक है इस वर्ड को ट्रांसलेट ना कीजिए अहले किताब को डायरेक्ट आप अहले किताब भी कहेंगे तो भी ठीक है क्योंकि उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है अहले किताब ठीक है या किताब वाले आप तर्जुमा करें या एहले किताब करें दो बोथ आर करेक्ट द पीपल ऑफ बुक चाहता है एक ग्रोह से अहले किताब अहले किताब में से या किताब वालों में से कौन है किताब वाले यहूदो न ठीक है ज्यूज एंड क्रिश्चियंस ईसाई और यहूदी चाहता है एक ग्रो अहले किताब में से या किताब वालों में से उल्टा तर्जुमा क्यों कर रहे हैं हम क्योंकि मिन हरफे जर है तो उर्दू में जब आप तर्जुमा करेंगे तो पहले अहले किताब का तर्जुमा करेंगे फिर मिन का तर्जुमा करेंगे जब भी हरफे जर आ जाए तो उर्दू में तर्जुमा आगे के वर्ड का होता है फिर हरफे जर का होता है चाहता है एक गिरोह अहले किताब में से किताब वालों में से लव अब यह लव शायद पहली मरतबा आ रहा है यहाँ पर सूर्य आलमिरान में लव लव के दो तर्जुमे होते हैं इफ अगर भी होता है और काश भी होता है ठीक है काश काश का तर्जुमा भी होता है ठीक है तो काश का तर्जुमा भी हो सकता है और अगर का भी तर्जुमा अगर हम देखेंगे लव शाह अल्लाह तो बिल्कुल सेम तर्जुमा होगा इन अल्लाह वाला लव शाह अल्लाह अगर चाहता अल्लाह ठीक है इन अल्लाह अगर चाह चाहे अल्लाह तो काश का भी तर्जुमा हो जाता है कभी कभी और अः इफ का तर्जुमा यानी अगर का तर्जुमा भी हो जाता है ठीक है काश यहाँ पर तर्जुमा होगा काश का और इंग्लिश में इफ का ही तर्जुमा होगा यहाँ पर काश युद्लू नकुम युदिल्लू नकुम को हम डिवाइड करेंगे चार हिस्सों में ठीक है या यतान का या हो गया ठीक है तो ये इसका मतलब ये मुजारे का वर्ड है यतान का यह हो गया फिर ऊना आ गया फिर उसके आगे कुम आ गया और क्या बचता है बीच में द्वाद लाम लाम डबल लाम है देखें, लाम के ऊपर है, तो वो रूट लेटर है या यतान का या है तो या का तर्जुमा क्या होगा वो ऊना का मतलब होगा सब क्योंकि वो प्लूरल के लिए आता है जमा के लिए आता है ठीक है मेल प्लूरल के लिए आता है जमा ऊना इना वाहिफ ऊना इना वाहिफ आएगा तो हम क्या करेंगे सब या प्लूरल का तर्जुमा करेंगे ऊना इना वाहिफ ठीक है या वो सब दिल्लू द्वाद लाम लाम वीन हम रोजाना वर्ड पढ़ते हैं सूर फातिया में द्वाद लाम लाम का मतलब होता है गुमराह करना ठीक है गुमराह करना गुमराह करना यानी राह से भटका देना किसी को गलत रास्ते पे ले आना टू लीड समे ठीक है एस टी आर ए वाई अस्ट्रे ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा आप पूरा तर्जुमा करेंगे या वो सब विल्लू गुमराह कर दें किसको गुमराह कर दें आगे वर्ड आ रहा है कुम तो अब यहाँ पर पहले हम देखते हैं क्या कर, कहा जा रहा है चाहता है एक ग्रो अहले किताब में से यानी किताब वालों में से लव काश या वो वानु सब जिल्लू गुमराह कर दें किसको गुमराह कर दें कुम कुम क्या है अटैच प्रोनाउन जमीरे मुत्तसिल है जमीरे मुत्तसिल जुड़ के आ रहा है इसीलिए मुत्तसिल अटैच है ठीक है और कुम का तर्जुमा क्या होता है यू ऑल तुम सबको तुम सब या तुम्हें तुम सब किसको गुमराह कर दे यानी ईमान वालों के ताल्लुक से अल्लाह सुबहान फरमा रहे हैं कि अहले किताब यानी जो क्रिश्चियन और ज्यूज हैं वो चाहते हैं कि तुम्हें भी अपनी तरह क्या कर दे गुमराह कर दे जैसे वो खुद भटके हुए हैं वो चाहते कि ईमान वाले भी क्या हो जाए गुमराह हो जाए और आप देखेंगे आज के दौर में क्या ऐसा नहीं हो रहा है क्या उनके जो प्लान थे जो उनकी जो जो मतलब जो भी प्लॉटिंग्स थी वो कामयाब नहीं हो गई किस तरह से उन्होंने मुसलमानों को गुमराह कर दिया किन किन चीजों में उनको मजबूल कर दिया कि वो अल्लाह की किताब से दूर हो गए अल्लाह सुबहाना तला के दीन से दूर हो गए नमाज पढ़ना बोझ लगने लगा कुरान को उठाना एक 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 हेडेक लगता है और वही घंटों म्यूजिक सुनना लोगों को कोई मसला नहीं होता तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान फरमा रहे हैं कि वो तो उनका पहले से ही या आज की बात नहीं है जब कुरान करीब नाजिल हुआ चौदह साढ़े चौदह सौ साल पहले जब से इनकी ये चाले चल रही हैं कि ये मुसलमानों को किसी तरह से क्या कर दें गुमराह कर दें तो हर वो हर दौर में होता रहेगा क्योंकि ये किताब कैसी है जिंदा किताब है ये कभी भी इसके अल्फाज जो है ओल्ड और ऑर्थोडॉक्स नहीं होने वाले ये हमेशा वैसे ही अप्लाई होंगे चाहे वो जिस दौर में भी हो कयामत तक ये किताब चलती रहेगी और ये बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई होगी जैसे कि ये आज नाजिल हुई है ठीक है या अहल किताब में किताब में से एक ग्रोह चाहता है लव काश या वो वानून सब दिल्लू गुमराह कर दे कुम तुम सबको वो चाहते हैं और हम क्या करते हैं हो जाते हैं तो हमारे विल पावर्स हमारे अंदर इतनी मजबूती नहीं है कि हम जो है वो उनके जो है ना ट्रैक्स पर चल रहे हैं उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और वो अपनी प्लानिंग में कामयाब होते चले जा रहे हैं चाहता है ग्रो पहले किताब में से किताब वालों में से काश के वो सब गुमराह कर दें तुमको, तुम तुम सबको वर्फे अतफ है ठीक है हरफे कंजंक्शन है वह का तर्जुमा होगा और या एंड ठीक है और या एंड वह और अब माँ जो है माँ के तीन तर्जुमे हैं क्या नहीं जो क्या नहीं जो इंग्लिश में क्या है वॉट एंड नॉट यहाँ पर तर्जुमा आ रहा है नॉट का नहीं का अब क्यों आ रहा है आगे हम देखते हैं इल्ला आ रहा है तो जब भी माँ के साथ आगे आयत में इल्ला आ जाए तो माँ का तर्जुमा नहीं में चला जाएगा फिर क्या और जो को हटा देंगे हम सिर्फ नहीं का तर्जुमा करेंगे नॉट का तर्जुमा करेंगे तो माँ कभी भी इल्ला की वजह से नहीं में चला जाता है ठीक है वह और माँ नहीं युद्व लूना सेम वर्ड है बिल्कुल सेम सिर्फ कुम हटा दिया गया है ठीक है यतान का या है या मतलब वो का मतलब क्या हो जाएगा प्लूरल के लिए सब और वल्ला का मीनिंग क्या हो जाएगा गुमराह करना गुमराह करना टू लीड अस्ट्रे वो सब गुमराह कर रहे ठीक है व और माँ या वो सब वल्ला गुमराह कर रहे इल्ला 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 का मतलब क्या है एक्सेप्टिव पार्टिकल है इसना है ये इल्ला का मतलब क्या होगा सिवाय मगर मगर या सिवाय का तर्जुमा होता है इंग्लिश में एक्सेप्ट का तर्जुमा होता है एक्सेप्टिव पार्टिकल भी कहते हैं इसको ठीक है इसना के लिए इस्तेमाल होता है इसीलिए उसको एक्सेप्ट एक्सेप्टिव पार्टिकल भी कहते हैं और नहीं वो गुमराह करते हैं मगर या सिवाय किसको इल्ला सिवाय अनफुसहुम अनफुस वर्ड हमने पढ़ लिया था ठीक है इसके रूट लेटर्स क्या हैं? अनफुस के नून फीन नफ्स नफ्स का मतलब क्या होता है जान सोल या फिर सेल्फ खुद ये या तो सोल का जान का तर्जुमा होगा या फिर सेल्फ यानी खुद का तर्जुमा होगा अनफुस प्लूरल है नफ्स नفس का नफसुन, अनफुसुन नफ्स मतलब एक जान अनफुज मतलब जाने अपने जानों को ठीक है इल्ला सिवाय अल्लाए जानों को या खुद हम हम जो है क्या है अटैच प्रोनाउन जिस तरह कुम था उसी तरह हम अटैच प्रोनाउन है अटैच प्रोनाउन जमीरे मुतसिल और क्या कहते हैं इस जमीर को फाइली जमीर या फिर पजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं इसको ठीक है ये अलग अलग नाम है तो नाम हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कहीं आपको कहीं दिखाई दे दे पजेसिव प्रोनाउन तो आपको पता होना चाहिए कि अटैच प्रोनाउन का ही दूसरा नाम है ठीक है का मतलब दे ऑल का मतलब क्या होगा दे ऑल या देम अपने उनके खुद के उनके उनके नफ्सों को अप, अपनी जानों को अपनी जानो या हम कह सकते हैं अपने नफ्सों को अपने आप को अपने आप को भी आप कह सकते हैं अपनी नफ्सों को भी आप कह सकते हैं उनकी नफ्सों को भी आप कह सकते हैं डेम सेल्फ्स के लिए क्या आ गया अनफुस सेल्फ है ना तो सेल्फ का प्लूरल क्या हो जाएगा सेल्फ्स डेम सेल्फ वो किसको गुमराह कर रहे हैं अपने आप को गुमराह कर रहे हैं वो आ, चाहते हैं कि दूसरों को गुमराह कर दें ईमान वालों को गुमराह कर दें अगर ईमान वाले का ईमान पुख्ता है तो चाहे सामने वाला एड़ी चोटी का जोर लगा दे फिर वो उसको गुमराह नहीं कर सकता लेकिन अगर ईमान में ही खलल है ईमान में ही कमजोरी है ईमान ही मजबूत नहीं है ईमान है ही नहीं तो फिर क्या होगा कोई भी किसी ने कुछ बता दिया हम उसी के पीछे चल देंगे अंधी तकलीद करना शुरू कर देंगे हम किसी को भी ब्लाइंड फॉलोअर्स फौ, बन जाएंगे तो यहाँ पर अल्लाह सुबह फरमा रहे हैं कि ईमान वालों को यानी इन्होंने कितनी सहाबा कराम के साथ प्लानिंग की अभी इनशाला नेक्स्ट आयत में हम देख लेंगे वो कैसी प्लानिंग करते थे वा और माँ नहीं इल्ला की वजह से माँ नहीं हो गया या वो वान सब दिल्ल गुमराह कर रहे इल्ला सिवाय अनफुम उनकी नफ्सों को अपनी जानों को अपनी जानों को अपनी नफ्सों को अपने आप को वमा माँ यश उरून व फिर से सेम ये वमा माँ जो आया था बिल्कुल सेम है व और या एंड का तर्जुमा होगा हरफ अतफ है कंजंक्शन है माँ का तर्जुमा यहाँ भी नहीं का है नॉट का तर्जुमा है नॉट नहीं व और माँ नहीं और नहीं यशरूना जैसे युद्लूणा है वैसे यश उरूना है इसको भी ब्रेक कर दीजिए यतान का या है एंड में ऊना है और बीच में क्या बचता है शीन आइन रूट लेटर्स हो जाएंगे शीन आइन रा देखिए हमारी राइटिंग बहुत मैसी होती है गंदी सी होती है अगर आप लोगों को कोई वर्ड ना समझ आया करे तो आप पूछ लिया करें और हमारे जो बोलने पे उस पर भी गौर किया करें क्योंकि ये राइटिंग है ना थोड़ी अच्छी नहीं होती है तो आप लोगों को मे भी ना समझ में आए ठीक है तो यतान का या मतलब वो और ऊना का मतलब हो जाएगा प्लूरल के लिए सब और शीन आइन राम रॉ रा का मतलब क्या हो जाएगा शऊर 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 का मतलब क्या होता है टू परसीव किसी चीज को समझ लेना परसीव करना ठीक है टू अंडरस्टैंड टू परसीव समझना शूर रखना किसी बात के की समझ में आ जाना व और माँ नहीं या वो वह उन्होंने सब शायरा रखते, और नहीं वो सब श रखते मतलब उनको खबर ही नहीं है कि दे डो नॉट अंडरस्टैंड दे डो नॉट परसीव ठीक है कि उनको यही खबर नहीं है कि वो, वो दूसरों को ईमान वालों को नहीं बल्कि अपने आप को ही क्या कर रहे हैं और गुमराह करते जा रहे हैं ठीक है हाँ अकल रखते के लिए हमारे पास याकििलून कल वर्ड आया था ना याकििल तो अकल के लिए हमारे पास वर्ड है ऑलरेडी कुरान में ठीक है और शऊर का मतलब होता है उससे भी ज्यादा बा, होती है अकल का मतलब होता है एक अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्ट की बात हो रही होती है और शऊर का मतलब होता है किसी चीज को समझ लेना ठीक है चले खैर वैसे उर्दू में जब तर्जुमा किया जाएगा तो कोई गलत नहीं है तो शूर का मतलब होता है किसी चीज की आ, मतलब जो रीजनिंग है उसको समझ लेने का लेने का तर्जुमा होगा हम दोबारा से पढ़ते हैं आयत को चाहता है चाहता है तो आई एक ग्रो मिन से अहल वाले किताब किताब वालों में से उल्टा तर्जुमा कर रहे हैं मिन हरफे जर इसलिए लव काश या वो नून सब ज़िल्लू गुमराह कर दे कुम तुम सबको व और माँ नहीं इल्ला की वजह से माँ नहीं हो गया या वो वन सब ज़िल्लू गुमराह कर रहे इल्ला सिवाय अनफुस नफसों को हम उनकी उनकी नफ्सों को अपनी जानों को अपने आप को और मां नहीं या वो सब शाहरा शुर रखते और नहीं वो सब इस बात का क्या रखते शऊर रखते गौर से देखें दोबारा हम रवानी पढ़ते हैं चाहता है एक ग्रो अहले किताब में से या किताब वालों में से काश के वो सब गुमराह कर दे तुम सबको और नहीं वो सब गुमराह करते सिवाय अपनी नफ्सों को उनकी जानों को अपने आप को दम और नहीं वो सब श रखते समझ आ गए सारे वर्ड चाहता है ग्रो अहले किताब में से कि काश वो सब गुमराह कर दे तुम्हें और नहीं वो सब गुमराह कर रहे सिवाय अपने आप को और नहीं वो सब शऊर रखते अल्लाह सुबाना ने यहूद नसारा के ताल्लुक से कहा कि ईमान वाले जो पक्के पुख्ता ईमान वाले हैं उनके खिलाफ जो हरबे और चाले ये चल रहे हैं हीले कर रहे हैं जो प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स कर रहे हैं कि उनको गुमराह कर दें तो ये अपने आप को गुमराह कर रहे हैं ना कि उनको और उनको इस बात की खबर तक नहीं है वो इस तक इस बात का शहूर तक नहीं रखते ठीक है चले नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं इनशाला बसमीम नहीं देखें इल्ला का जो माँ के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ है वो सिर्फ पहले वाले पर होता है ठीक है और वो तो वो जुमले के हिसाब से माँ का तर्जुमा आया है ये पहला वाला माँ जो है वो इल्ला के लिए आ, नहीं का तर्जुमा दे रहा है और दूसरे वाले का इल्ला से कोई ताल्लुक नहीं है अगर वापस यहाँ पर इल्ला होता तब हम यहाँ पर शोर हो जाते माँ का तर्जुमा इल्ला की वजह से नहीं आ रहा है अदरवाइज यहाँ पर जुमले के हिसाब से तीन तर्जुमे में से हमने एक तर्जुमा लिया जो यहाँ पर सूटेबल था ठीक है तो इल्ला जो होता है पहले वाले माँ को तर वो करता है चेंज दूसरे वाले माँ को नहीं करता है ठीक है वो अपना अलग सेंटेंस है ये एक सेंटेंस अलग है और ये एक सेंटेंस अलग है तो इस सेंटेंस का इस जुमले का इस जुमले से कोई ताल्लुक नहीं है ठीक है माशा अच्छा क्वेश्चन आपने किया अलहमद ला जजाक लीरा यहाँ ये माँ इस इल्ला की वजह से नहीं में गया है और ये जो है ये दूसरा जुमला दूसरा सेंटेंस है तो इसको हमने अलग से तर्जुमा किया है ठीक है चले नेक्स्ट आयत आयत नंबर सेवेंटी बिस्मिल्लर बिस्मिल्लामान तकून अभी आयात ये तो सारी आयत आप लोगों को तर्जुमा करने भी आ गई होगी इनशाला या किताबी कई मरतब आप पढ़ चुके हैं या हमने पहले पढ़ा था या क्या होता है हरफे निदा होता है वोकेटिव पार्टिकल कॉलिंग लेटर होता है वोकेटिव पार्टिकल या का मतलब क्या होगा ए ओ ठीक है ए, एहल अभी आया था यहाँ पर एहल का तर्जुमा हम क्या करेंगे वाले पीपल एहल का एक तर्जुमा वाले भी होगा एहल का एक तर्जुमा रिलेटिव भी होगा यानी के घर वाले भी होगा या ए, एहल वाले अल किताब, अल किताब वही सेम वर्ड है अल से शुरू हो रहा है इंग्लिश में द तर्जुमा होगा और अल का उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा ये आम को खास करने के लिए आता है अल किताब किताब के रूट लेटर क्या है काफ ताबा कतबा किताब का मतलब किताब ही होगा द बुक इंग्लिश में आप कहेंगे द बुक उर्दू में किताब या अहले किताब ए अहले किताब या तो आप अहले किताब कहें ए किताब वालों ये भी आप कह सकते हैं ठीक है तो कौन मुखातिब है इसमें यहूद और नसारा यहूद और नसारा जीव एंड क्रिश्चियंस ए अहले किताब ए किताब वालों लिमा लिमा ये वर्ड हम तीन दिन से पढ़ रहे हैं पूरा रिवीजन हो चुका होगा आप लोगों का क्या था तर्जुमा लिमा का कोई बता सकता है बारकल्लाक मस्जिद फजिद लिमा का तर्जुमा है ट्रांसलेशन है क्यों वाई ठीक है वाई का तर्जुमा होगा क्यों का तर्जुमा होगा लिमा क्यों वाई और ये हमने आपको बताया भी था ली और माँ से मिलकर बना है ली और माँ ली मतलब लिए माँ का मतलब क्या होता है क्या क्या के लिए मतलब किस लिए किस लिए मतलब क्यों ठीक है इस तरीके से क्यों का तर्जुमा आ गया वो या ए याल वालो अल किताब किताब वालो ए किताब वालो ली माँ क्यों वाई जैसे अभी हमने तशुरूना और युदिलूना ये वर्ड पढ़े बिल्कुल सेम उसी तरह से इसको भी डिवाइड करेंगे हम ता और ऊना यतान का ता है ऊना एंड में आ रहा है बीच में क्या बच गया रूट लेटर का पा ता, ता का तर्जुमा ऊना देखें मेल प्लूरल है मेल प्लूरल जमा मुजक्कर है जमा मुजक्कर तो ऊना का तर्जुमा यहाँ पे सब हो जाएगा और चूके ये मेल प्लूरल है तो ता का तर्जुमा क्या होना चाहिए यहाँ पर ता के दो तर्जुमे होते हैं ना या तो तुम या फिर वो फीमेल के लिए वो आता है मेल के लिए तुम आता है तो चूंकि ये मेल प्लूरल है तो तुम का तर्जुमा आ जाएगा फीमेल वाला हम कैंसिल कर देंगे ठीक है तुम वन सब कफरा कुफ्र करते हो कुफ्र मतलब इनकार इनकार मतलब डिसबिलीव ठीक है वाई डू यू डी डीनाई और डिसबिलीव ठीक है क्यों इनकार करते हो क्यों कुफर करते हो अल्लाह सुबहान अहले किताब से सवाल कर रहे हैं या ए अहल अहल पहले ये वर्ड देखें ता तुम वन सब का फराकफ्र करते हो इनकार करते हो वाई डू यू डिनाई वाई डू यू डिसबिलीव या अहल वालो अल किताब किताब वालो ए किताब वालो ए किताब लिमा क्यों ता तुम वो सब का फरा कफर करते हो बी आयात लाही ये वर्ड भी आप कितनी मर्तबा पढ़ चुके हैं ना किसका इनकार करते हो बी आयात इसको भी डिवाइड करेंगे बी बी क्या है हरफे जर बी हरफे जर है हमारी पेन क्यों नहीं चल रही हरफे जर प्रपोजिशन है यहाँ पर आ, बी का तर्जुमा हो जाएगा का ऑफ क्योंकि बी कैसी है कैसा वर्ड है फ्लेक्सिबल वर्ड है जैसा आपकी आयत में सूट करे जैसा आपके लिए वर्ड का तर्जुमा प्रॉपर फिट हो जाए वही आपने उसका बी का तर्जुमा करना है बी का मतलब यहाँ पर का का आ जाएगा अभी देखते हैं हम कैसे कहा तर्जुमा आ जाएगा ऑफ आयात आयात जो है आयतुन का प्लूरल है आयतुन एक आयत आयात मतलब बहुत सारी आयते वर्सेस ठीक है वर्सेस आयतें आयतें आयतों ठीक है प्लूरल है और इसके रूट लेटर है हमसा या या हमजा या या बी का आयात आयात का किसकी आयात का हमजा लाम अल्लाम इसके रूट लेटर है अल्लाह वर्ड का तर्जुमा अल्लाह ही होगा ए ए लिमा ता तुम सब का फरा इनकार करते हो बी का आयात आयात अल्लाह अल्लाह की आयतों का अब क्यों उल्टा तर्जुमा हुआ क्योंकि बी हर फिजर है इसीलिए पहले आगे के वर्ड का तर्जु कर लेंगे अल्लाह की आयतों का क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयत को क्यों झुटला इनकार करते हो क्यों उसको डिनाई करते हो वह अंतुम तशद व अंतुम तशद आतफ़ है है एंड या और का तर्जुमा होगा व और अंतुम ये डिटैच प्रोनाउन है जुड़ के नहीं लिखा हुआ है डिटैच प्रोनाउन है कल भी आया था ये वर्ड जमीरे मुन फिल मुन फासले से लिखा हुआ है इसलिए जमीर है मुनफसिल है पर्सनल प्रोनाउन भी इसको कहा जाता है ठीक है शख्सी जमीर शख्सी जमीर शख्स कहते हैं ना पर्सन तो पर्सनल प्रोनाउन भी आप इसको कह सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन शख्सी जमीर अंतुम का मतलब होता है यू ऑल तुम सब वापस से यहाँ पर आ जाएगा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का वह और अंतुम तुम सब तश अब इसको भी रूट लेटर को वर्ड को डिवाइड करेंगे ये भी क्या है मुजारे है मुजारे मतलब टेंस है तो यतान का ता है इसमें यतान का ता है और ऊना बीच में क्या बच गया रूट लेटर शीन था दाल ता ऊना की वजह से तुम हो जाएगा क्योंकि वो मेल प्लूरल है वो का तर्जुमा नहीं लेंगे दो तर्जुमा है ना हमारे पास ताके, तुम या फिर वो तो वो का तर्जुमा हटा देंगे क्योंकि फीमेल वर्ड नहीं है ये मेल वर्ड है ऊना का मतलब हो जाएगा सब प्लूरल की वजह से जमा की वजह से प्लूरल है जमा है ऊना मतलब सब ऊना इना वलिफ सब के लिए आता है शाह का मतलब होता है गवाही देना ठीक है गवाह बनना गवाही देना विटनेस विटनेस वाइल यू आर यू बेर विटनेस व व और अंतुम तुम सब ता तुम वाहनु सब शहदा गवाह हो तुम सब इस बात के गवाह हो तुम सब जानते बूझते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने पहचान लिया उनकी सदाकत को पहचान लिया उनके कुरान को पहचान लिया फिर भी इस बात को दिल में रख के चोरी करते हो यानी कि उस चीज को जाहिर नहीं करते हालांकि सब कुछ जानते हो तुम सब बात पर गवाह हो फिर भी क्या करते हो अल्लाह की आयतों का कुरान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भेजी हुई नाजिल करदा आयतों का क्या कर रहे हो इनकार कर रहे हो तो ये कितना बड़ा जुर्म हो गया कि एक इंसान जानते बूझते एक चीज पर गवाह होने के बाद जबकि उनकी किताबों में भी सारी चीज की पेशन गोई आ चुकी सब अल्लाह तआला ने पहले से ही बता दिया सबको सब कुछ पहचान लिया इन, लो, इन लोगों ने फिर भी क्या कर रहे हैं कुफ्र कर रहे हैं इनकार कर रहे हैं तो अल्लाह सुबहान सवाल करें क्यों ये हरकत कर रहे हो कि जब सब जानते हो तो ले आओ ईमान क्यों कुफ्र की तरफ पड़े हुए हो क्यों अपनी जिद पे अड़े हुए हो क्यों तुम इनकार कर रहे हो जबकि तुम क्या हो गवाह हो ठीक है एक मरतबा और देखें आयत को या ए अहल वालो अल किताब किताब वालो ए किताब वालो लिमा क्यों ता तुम वांो सब का फरा कुफ्र करते हो बी का किसका आयत आयत अल्लाह अल्लाह की अल्लाह की आयतों का व और अंतुम तुम सब सब तशदना तुम वन सब शहदा गवाह हो तुम तो ऑलरेडी इस बात को जानते हो उसके शाहिद इसके गवाह हो अहले किताब ए, ए किताब वालो क्यों तुम सब कुफ्र करते हो इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का व और अंतुम तुम सब तः तुम वान सब शहदा गवाह हो देखें हम रवानी पढ़ते हैं ए अहले किताब ए किताब वालों क्यों तुम सब इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का और तुम सब तुम सब तो गवाह हो यानी तुम सब इस बात के शाहिद हो ठीक है नेक्स्ट आयत पर चले इनशाला आयत नंबर सेवेंटी वन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अहले किताबी लिमा तलबिसूनल हक़्क़ा सेम ऐसे ही अल्फाज आ रहे हैं जैसे अभी पिछली आयत में आए हैं या किताबी दोबारा से या का तर्जुमा क्या हो जाएगा ए ओ हरफे क्या है निदा है वोकेटिव पार्टिकल है या का मतलब हो जाएगा ए ठीक है अहल का मतलब क्या होगा यहाँ पर वाले पीपल पीओ पीपल वाले क्या वाले अल किताब अल का तर्जुमा होगा द इंग्लिश में और उर्दू में उसका तर्जुमा हम नहीं करेंगे किताब के रूट लेटर है काफ्ताब और किताब का मीनिंग किताब ही होगा ठीक है और इंग्लिश में द बुक हो जाएगा द बुक या ए अहल वालो अल किताब किताब वालो ए किताब वालो ए एल किताब लिमा दोबारा से आ गया लिमा क्यों के लिए आ जाएगा वाई के लिए आ जाएगा क्यों तल भी सूना अब ये नया वर्ड है ठीक है तल भी सूना है वही पैटर्न लेकिन तदूना ही पैटर्न है लेकिन अलग है त यतान का ता है ऊना एंड में आ रहा है रूट लेटर क्या बज बज गए लाम बा, सीन ठीक है यतान का ता है ता का मतलब हो जाएगा तुम क्योंकि मेल प्लूरल आ रहा है ऊना जी अहल के रूट लेटर वही है जो वर्ड है हमज़ा हमज़ा हालाम। अहल हालाम। के रूट लेटर अभी तक हमने नहीं दिए ना हमजा हालाम ही उसके रूट लेटर है या ए अहल वालो अल किताब किताब वालो ए अहल किताब माँ क्यों तक तलबीसुना रूना तल भी सब तुम सब प्लूरल के लिए हो गया लबसा रूट लेटर बचे लाम बासीन लबसा लबसा का मतलब होता है लिबास पहना देना अब किसी चीज़ के ऊपर लिबास पहना दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी वो चीज़ छुप जाएगी तो इसका तर्जुमा क्या होता है किसी चीज को खलत मल्त कर देना घुड़मु कर देना मिला देना और एक तर्जुमा ये भी होता है कि मिक्स मिक्स का तर्जुमा हो जाएगा मिक्स करना खलत मलब करना अच्छी उर्दू में खल्त मल्त करने को गुड़मुड करने को खल्त मत करना कहा जाता है यानी कि मिला देना मिक्स कर देना ठीक है और कहीं कहीं ये भी हो जाता है कि रंग चढ़ा देना अब वो कह, किसका रंग चढ़ा देना वो आगे हम देखेंगे गुडमुड करना खल्फ मल्त करना मिक्स कर देना मिला देना, मिला देना मिलावट कर देना लबसा ठीक है लिबास पहना देना ठीक है जामा चढ़ा देना रंग चढ़ा देना कुछ भी आप तर्जुमा कर सकते हैं सब सही है खास कर जो बहुत सारे में आया है वो मिक्स करने के तर्जुमे में आया है खल्त मल्त करने के तर्जुमे में आया है ठीक है तुम वाउन सब लबसा लिबास पहनाते हो रंग चढ़ाते हो या फिर आप कह सकते हैं खल्त मल्त करते हो मिक्स कर देते हो गुड़ कर देते हो या अहले किताब अहले किताब ए किताब वालो क्यों लिमा क्यों ता तुम सब सब मिक्स करते हो मल्त करते हो अलहक्का, अलहक, अल से शुरू हो गया इसका भी तर्जुमा द हो जाएगा इंग्लिश में और उर्दू में तर्जुमा नहीं होगा इसका हक के रूट लेटर्स क्या है काफ, काफ। दो बार काफ है, हक हक मतलब ट्रूथ सच हक ही हक भी आप कह सकते हैं ठीक है हक को क्यों तुम मिक्स करते हो हक को बिल बातिली बी में बी का तर्जुमा में 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 हो जाएगा या साथ भी हो जाएगा विद ठीक है और बातिल अल बातिल ये भी अल के साथ हो आ रहा है द का तर्जुमा होगा बतौला बातिल के रूट लेटर्स हैं बा बोय लाम बातिल का मतलब होता है झूठ बातिल, उर्दू में बातिल भी कहा जाता है ठीक है झूठ फॉल्स फूड फॉल्स फूड ठीक है झूठ सच और झूठ को क्यों मिक्स कर रहे हो यानी एक तो इनका अहले किताब का जुर्म यह है कि वो क्या करते थे सच्ची बात में झूठी बात मिला देते थे तो ताकि वो सच्ची बात में अगर कोई झूठी बात मिला के अब लोगों का एक तरीका होता है ना जब कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं उसमें अपनी भी चार लगा देते हैं ताकि वो जर, जरा थोड़ी सी मिर्च मसाले वाली बन जाए और सुनने में जरा सा इंटरेस्ट आ जाए वो सीधी सीधी बात होती है तो क्या करते हैं उसको एक्स्ट्रा मिला के बनाते हैं ताकि वो जो है वो भी हक लगने लगे वो भी सच लगने लगे उसमें बीस परसेंट सही होती है अस्सी परसेंट गलत होती है लेकिन वो बी वो इस तरह से मिलाते हैं कि वो जो है वो भी हक लगने लगे ठीक है तो यहाँ पर क्या है तर्जुमा ए अहले किताब ए किताब वालो लिमा क्यों ता तुम वान सब लबसा मिक्स करते हो हक आ, हक को बातिल के साथ या फिर आप तर्जुमा कर सकते हैं क्यों लिबास पहनाते हो हक को बातिल का ठीक है या फिर आप तर्जुमा कर सकते हैं क्यों हक और बातिल को खल्त मल्त करते हो मिक्स करते हो ठीक है तो या तो आप खलत मल्त का तर्जुमा कर लें मिक्स करने का तर्जुमा कर लीजिए या लिबास चढ़ाने का या रंग चढ़ाने का क्यों रंग चढ़ाते हो हक पर बातिल का बातिल पर हक का रंग क्यों चढ़ाते हो ठीक है अहले किताब ए किताब वालों क्यों तुम सब मिलाते हो खल करते हो हक को बातिल के साथ हक को बातिल के साथ उल्टा तर्जुमा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि बी हरफे जर है इसीलिए बातिल को पहले पढ़ेंगे बी को बाद में पढ़ेंगे व तख तुमून अल हका एक जुर्म तो यह है हक और बातिल को मिक्स करने का ठीक है दूसरा जुर्म क्या है हक्का वाला जुर्म वा, वा का तख्तुमूनल हकाजुमा होगा और या एंड ठीक है वाव यानी और तकना इस जैसे तलबिस सुना वैसे तख्तु को डिवाइड करेंगे हम ता, यतान का ता है ऊना यहाँ पर सबके लिए हो जाएगा ता यानी तुम प्लूरल का ता और ता यानी तुम ठीक है मेल प्लूरल है ना जमा मुजक्कर है तो ऊना मतलब सब हो जाएगा ऊना ईना वावलिफ ये तीनों प्लूरल मेल के लिए आता है जमा मुजक्कर के लिए आता है ठीक है जमा मुजक्कर के लिए तो ता का मतलब हो गया तुम ऊना का मतलब हो गया सब बचा क्या रूट लेटर क त म गतमा का मतलब होता है टू हाइड टू हाइड किसी चीज को क्या कर लेना छुपा देना कंसील करना छुपाना ठीक है छुपाते हो क्यों छुपाते हो एक तो तुम क्या करते हो हकबातिल को मिला देते हो ताकि वो सच लगने लगे और एक जो जो जानते बूझते सच को क्या कर देते हो छुपा देते हो यानी यानी जो दलीलें तुम्हारी किताब में आई हैं जो दलीलें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसत के ताल्लुक से सब कुछ अल्लाह सुबहान तलेरीफाई किया है सब वाजे कर दिया है वो तुम क्या कर रहे हो उसको छुपा के रखते हो जाहिर नहीं होने देते कि आप सल जो है सच्चे नबी हैं वो क्यों नहीं जाहिर होने देते ताकि तुम्हारे तुम्हारी जो सरदारियां ना जाए मतलब दुनियावी फायदे के लिए तुम क्या कर रहे हो हक को छुपा रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो पोशीदा रखते हो छुपाते हो जी पोशीदा रखना ठीक है पोशीदा रखते हो ता तुम वन सब का तमा छुपाते हो पोशीदा रखते हो हाइट करते हो कंसील करते हो किसको अलहक हक कोक फ्रूट लेटर है इसके अल द के लिए आएगा इंग्लिश में उर्दू में नहीं तर्जुमा करेंगे हम इसका हक का मतलब हक होगा सच होगा ठीक है सच को यानी और तुम सब छुपाते हो हक को तो दो जुर्मल्ला ने बयान किए एक तो मिलावट करने का और एक छुपाने का ठीक है कि तुमने एक तो ये किया कि हक और बातिल को मिला दिया और दूसरा तुमने छुपा दिया हक को अंतुम था व और एंड अंतुम फिर से आ गया सेम वर्ड अंतुम क्या है डिटैच प्रोनाउन है डिटैच प्रोनाउन जमीरे मुनफसिल अंतुम का मतलब होता है यू ऑल यू ऑल तुम सब तुम सब ठीक है तुम सब वह और अंतुम तुम सब तालमून ये वर्ड आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको भी डिवाइड करते हैं ता यतान का ता हो गया ऊना सब के लिए आ गया और रूट लेटर बचे आइन लामीम ता तुम यतान का ता है ऊना मतलब सब और आइना में मतलब इल्म रखते हो इल्म इल्म रखते हो या फिर जानते हो जानते हो यानी यू ऑल नो टू नो ठीक है इल्म का मतलब नॉलेज नो एंड वाइल यू नो यू कंसील द ट्रुथ तो अब यहाँ पर अल्लाह सुबह क्या फरमा रहे या ए अहल वालो किताब ए किताब वालो लिमा क्यों तुम वन सब लबासा लिबास पहनाते हो रंग चढ़ाते हो मिक्स करते हो खलतम करते हो हक को बातिल के साथ हक को बातिल के साथ क्यों मिलाते हो व और ता तुम वन सब का तमा छुपाते हो अलक का हक को व और तुम तुम सब तालमून था ता तुम वन सब इल्म रखते हो तुम सब जानते हो तुम सब जानते बूझते हक को क्या कर रहे हो छुपा रहे हो और तुम सब जानते बूझते क्या कर रहे हो हक में बातिल को मिक्स कर रहे हो तो ये दोनों जुर्म क्या है अल्लाह के नजदीक बुरे हैं एक तो तुमने इनकार कर दिया दूसरी बात अगर कोई आना चाह रहा है दीन की तरफ तुमने खुद ने तो इनकार किया तो चलो तुम तो अल्लाह के इनकारी हो ही गए तुम तो हो गए कुफर के दर्जे में चले गए लेकिन तुमने साथ साथ ये भी किया तुमने क्या किया लोगों के सामने हक और बातिल को मिला दिया लोगों के सामने हक को छुपा दिया ताकि वो जो ये खास तौर पर किन के बारे में बात हो रही है अः अहले किताब के उलमा जो उनके स्कॉलर्स थे जो जानते थे किताब को पढ़ना लिखना आज भी देखें लोग कुरान की तरफ आना नहीं चाहते लोग समझते कि हम पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे हम इसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे स्कॉलर्स अगर बताएंगे तो ही ठीक है उलमा अगर बताएंगे तो ही ठीक है अल्लाह ने तजुर के लिए जिक्र के लिए नसीहत के लिए इस कुरान को आसान किया है हाँ अल्बत्ता तफक् जो पॉन्डरिंग का लेवल है कंटेप्रेशन का और और फिक्र का जो लेवल है वो उल्मा के बगैर नहीं हासिल हो सकता लेकिन एक नसीहत वाला जो लेवल है वो कोई भी कुरान पढ़ेगा तो उसको हासिल हो जाएगा तो उलमा यहूद में भी मामला था और आज के दौर में हम मुसलमानों में भी यही मामला हो गया कि हमने समझा कि ये किताब सिर्फ ऊँ के पढ़ने की है ये स्कॉलर्स के पढ़ने की है हम इसका ना तर्जुमा पढ़ सकते हैं ना इसको समझ सकते हैं तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अल्लाह सुबहान तीलिए उनके ने उनका फ़ायदा उठाया और उनको जो जहाँ चाह मोड़ दिया जहाँ चाह उनको गुमराह कर दिया अगर हम खुद अपनी अपनी किताबों को पढ़ें और समझें तो सामने वाला क्या कह रहा है हमें इतना तो पता हो कि हाँ ये हमारी कुरान की अः अल्फाज है भी या नहीं जैसे वो लोग क्या करते थे कुछ भी कहते थे और कहते थे कि किताब में लिखा हुआ है और वो सामने वाला मान लेता था क्योंकि उसने सामने किताब पढ़ी ही नहीं है जो वो कह उसकी तस्दीक कर सके उसको कन्फर्म कर सके तो हर इंसान को अपनी किताब को पढ़ना लाजमी जरूरी है एटलीस्ट एक ट्रांसलेशन तो उसका बन जरूरी है कि क्या किया जाए पढ़ लिया जाए ताकि हमें पता हो कि ये वाकई हक बात हो भी रही है या सामने से जो आ रहा है वो हमें क्या कर रहा है गुमराह करके चला जा रहा है हर हर इंसान अपने हिसाब से जो बात जो उसको समझ में आ रही है वो बोलता है चला जा रहा है चाहे वो किताब में हो या ना हो ठीक है तो इन्होंने उलमा ने और के उलमा ने बहुत उनके रियाया का फायदा उठाया और उनको जैसे चाह गुमराह कर दिया रिपीट करते हैं हम इंशाल्लाह आयत को या ए अहल वालो अल किताब वालो लिमा क्यों ताुम वान सब लबासा रंग चढ़ाते हो मिलाते हो अल का हक को बातिल बातिल बी के साथ बातिल के साथ हक को बातिल के साथ सच को झूठ के साथ व और ताुम वानो सब कतमा छुपाते हो पोशीदा रखते हो अलक का हक को व और अन तुम तुम सब ताुम सब इल्म रखते हो जानते हो देखे हम रवानी रवानी पढ़ते हैं एहले किताब ए किताब वालों क्यों तुम सब खलत मलत करते हो मिलाते हो हक को बातिल में सच को झूठ में और तुम सब छुपाते हो हक को यानी सच को और तुम सब इल्म रखते हो तुम सब जानते हो ठीक है आ गई आयत समझ में अहले किताब क्यों तुम सब खलत मलत करते हो मिलाते हो हक को बातिल में और तुम सब छुपाते हो हक को और तुम सब इल्म रखते हो तुम सब जानते हो

और या एंड का तर्जुमा होगा हरफ अतफ है कंजंक्शन है वाव यानी और टेंस है फेले माजी है ठीक है और इसके रूट लेटर है कौफ वाओ लाम कौल और ता के ऊपर सुकून किसके लिए आ रहा है फीमेल वर्ड के लिए और फीमेल वर्ड कौन सा है आगे देखेंगे ताइफतुन बोलता पर एंड हो रहा है ये फीमेल वर्ड है इसीलिए कौलत आ रहा है अगर ये मेल वर्ड होता तो सिर्फ कौला आता कौलत नहीं आता ठीक है तो ये कौलत का मतलब है ये फीमेल वर्ड के लिए है और फीमेल वर्ड यहाँ पर तोइफा है मतलब कहा की, she said. और शी कौन है यहां पर तो यहाँ पर शी का तर्जुमा हम नहीं करेंगे हम कहेंगे कहा ठीक है कहा सेड व और कहा तो फतुन अभी वर्ड आया था ये तो इसके रूट लेटर है तोइफा का मतलब होता है ग्रुप ग्रो उर्दू में आप ग्रोह कहते हैं ग्रुप कहते हैं ग्रो एक ग्रुप ने कहा एक ग्रोह ने कालत कहा तो ग्रोह ने किस कहा एक ग्रोह ने मिन, मिन हरफेजर है प्रपोजिशन है मिन का तर्जुमा होगा फ्रॉम से का तर्जुमा होगा उर्दू में से और इंग्लिश में फ्रॉम का तर्जुमा होगा से ठीक है किस में से एहल किताब में से दोबारा से आ गया अहल हमजा था लाम इसके रूट लेटर हैं अहल का मतलब होगा पीपल वाले क्या वाले अल किताब किताब वाले का तबा इसके रूट लेटर हैं का किताब का तर्जुमा किताब होगा और अल से शुरू हो रहा है तो इंग्लिश में द बुक हो जाएगा उर्दू में आप उसको खास नहीं कहेंगे बस किताब कहेंगे खास किताब कहने की जरूरत नहीं है ठीक है व और कौलत कहा तो तौ, तो तौ, एक ग्रुप ने एक ग्रोह ने मिन से किस में से अहले किताब में से अहले किताब यानि किताब वालों में से यहूद नसारा में से आमिनु अब ये देखें आमिनु हम बहुत मरतबा व लजीना आम पढ़ते आए हैं मीम के ऊपर ज़बर के साथ मीम के ऊपर ज़बर होगा और मीम के नीचे जेर होगा तो मान्या चेंज हो जाएगा अगर मीम के ऊपर ज़बर आएगा तो पास टेंस होगा और मीम के नीचे जेर आएगा तो हुक्म होगा लिख लीजिए इस बात को मीम के ऊपर आमनु में मीम के ऊपर जबर आएगा तो पास टेंस होगा और मीम के नीचे जेर आ जाएगा तो हुक्म होगा ऑर्डर होगा कमांड होगा हुक्म अमर होगा इम्पेरेटिव होगा ठीक है तो यहां पर हुक्म है हुक्म दिया जा रहा है आ क्योंकि मीम के नीचे जेर है तो हमजा मीम नून इसके रूट लेटर हैं अमाना का मतलब होता है ईमान और चूंकि ये हुक्म है तो हुक्म में क्या होता है लाओ ईमान लाओ किसको कहा जा रहा है है जमा। के, लिए आ गया। जमा के लिए यानी तुम सब अब तुम कहा लिखा हुआ है तुम तो नहीं लिखा हुआ लेकिन जब हुक्म दिया जाता है तो सामने कोई मौजूद होता है उसी को हुक्म दिया जाता है तो तुम इसमें इनबिल्ट होता है तुम इसके अंदर छुपा हुआ होता है आप यहाँ पर तुम के लिए वर्ड हो या ना हो जब हुक्म आएगा उसमें तुम खुद ब खुद आ जाएगा ठीक है किसी भी किसको भी किसी को भी हुक्म दिया जाएगा कुल आप कह दीजिए वहां पर आप तो लिखा हुआ नहीं होता लेकिन हम कहते हैं कुल का मतलब आप कह दीजिए तो आप कहाँ से आया क्योंकि आप सामने वाले को हुक्म दे रहे हैं जो आपके सामने मौजूद है जो मौजूद है तो उसमें तुम खुद ब खुद आ जाता है ठीक है आमिनु तुम सब ईमान लाओ व और कौलत कहा तो फत एक ग्रुप ने एक ग्रोह ने मिन से किस में से अहल किताबी अहले किताब में से एक ग्रुप ने एक ग्रुप अहले किताब में से एक ग्रोह ने एक ग्रुप ने कहा आमिनु तुम सब ईमान लाओ कब ईमान लाओ बिल लजी कहा किस पर ईमान लाओ बिल लजी उनजी आ मनु अलहमदुल्ला दोनों वर्ड यहीं पर मौजूद है आमनु ये क्या था आमिनु हुक्म था और ये आमनु क्या है ये पास्ट टेंस है।, है और इसका तर्जुमा होगा ईमान लाए ईमान लाए इसका तर्जुमा क्या होगा ईमान लाओ लाओ बिलीव बिलीव ये हुक्म है और यहाँ पर क्या होगा बिलीव्ड ईमान ले आए वो पहले ईमान ला चुके हैं और यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है कि लेकर आओ ईमान लेकर आओ तो आमिनु ईमान ले आओ और आमनु वो ईमान ला चुके ठीक है पास्ट वह और कालत कहा तो आयफतुन एक ग्रुप ने एक ग्रोह ने मिन से अहले किताब में से आमिनु तुम सब ईमान ले आओ बिल लजी बी हरफिजर है प्रपोजिशन है बी का तर्जुमा क्या हो जाएगा पर उनजी ये वर्ड हम पढ़ चुके मतलब हैं अल है अलग से आपको अल करने की जरूरत नहीं इसका है इसका हिस्सा है ठीक है तो ये अल और अल दो वर्ड नहीं है बल्कि अल एक पूरा पूरा वर्ड है उसका अल जो है वो उसी का हिस्सा है उसको अलग से अलग ना करना ठीक है और कौलत कहा एक गुरोह ने अहले किताब में से आमिन ईमान ले आओ लिया उस पर जो उस पर जो उनजिला उनजिला अब ये पैसिव है पास्ट टेंस का पास्ट पैसिव यानी माजी मजहूल क्यों है माजी मजहूल क्योंकि पेश और जेर आ रहा है पेश और जेर का कॉम्बिनेशन क्या होता है माजी मजहूल होता है तो उसका ट्रांसलेशन इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा अनजला मतलब उसने नाजिल किया उनला मतलब उसे नाजिल किया गया ठीक है जैसे कतला मतलब उसने कतल किया कुतिला मतलब कतल किया गया ज़ोलमा उसने ज़ुल्म किया जुलमा उस पर झुल्म किया गया नसरा उसने मदद की नुसरा उसकी मदद की गई तो अनजला उसने नाजिल किया उसने उतारा उन जिला उसे उतारा गया उसे नाजिल किया गया तो बिल उस पर जो उस पर जो उन जिला नाजिल किया गया नून ज़ा लाम इसके रूट लेटर हैं अलिफ इसमें एक्स्ट्रा है ठीक है अलिफ का तर्जुमा आप नहीं करेंगे क्योंकि ये पास टेंस है पास टेंस में यतान क्या यतान नहीं होता इसलिए अलिफ का अलग से तर्जुह नहीं होगा नजिला मतलब नाजिल करना और उन जिला मतलब नाजिल किया गया उतारा गया अब ये यहूद और नसारा के उलमा उनके स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं अहल किताब का एक ग्रुप मतलब वो उनका जो स्कॉलर का ग्रुप है उनके उल्मा का ग्रुप है उनके जो पादरी और उनके जो पोप्स का ग्रुप है वो क्या कह रहे हैं अपने मानने वालों से आम ईमान ले आओ उस पर जो उस पर जो उन जिला नाजिल किया गया अला हरफेजर है प्रपोजिशन है अला का तर्जुमा क्या होगा ऊपर या पर ऑन ठीक है पर किस पर अल्लजीना जो नाजिल किया गया किन पर अल्लजीना ये अल्लाजी देखे सिंगुलर है और अल्लाजीना प्लूरल है जमा है और ये अल्लाजी जो है वाहिद है अल्लाजी वो जो अल्लाजीना वो लोग जो वो लोग जो वो सब लोग जो या वो लोग जो सॉरी वो लोग जो दोजू दो अब आमनु क्या है आमनु पास टेंस है यानी माजी का सीगा है और आमनु मतलब वो ईमान लाए वो लोग जो ईमान लाए ईमान लाए दे बिलीव ठीक है ईडी पास्ट टेंस में वो जिन्होंने ईमान ले आए उस पर नाजिल किया गया उन पर जो लोग ईमान लाए यानी ईमान वालों के के ऊपर जो नाजिल की गई तो क्या नाजिल किया गया पुराने करीम उस पर क्या करो ईमान लेकर आ जाओ यहूदी अपने चेलों से अपने मानने वालों से क्या कह रहे हैं यहूदी स्कॉलर उनके उल्मा, नसारा के उल्मा, कि तुम जो है कि ऐसा करो हम एक प्लानिंग करते हैं लोगों को गुमराह करने की कि ऐसा करते हैं कि तुम सुबह के वक्त जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठना और क्या करना लोगों के सामने ऐलानिया तौर पर पूरा अनाउंस कर देना कि मैं ईमान लेकर आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आथ, हाथ पे बैत ले लेना थोड़ा सा शो ऑफ करना कि हाँ भाई मैं ईमान लेकर आया हूँ तो मैं तो ईमान नहीं लाया मुर्तद हो गया मैं मैं मैं, रिवर्ट हो जाता मैं, मैं, सॉरी कन्वर्ट हो जाता हूँ अपने पुराने दिन पर इस दिन में खराबी है यानी लोगों के दिल में शक पैदा करने के लिए क्या करना है एक, एक एक्टिंग करना है ये असल बात नहीं है कि तुम ईमान लाओगे बल्कि खाली ऐसे शो ऑफ करोगे ऐसे एक्टिंग करोगे कि सुबह को तुम ईमान लेकर आ गए और रात को क्या हो जाओगे तुम काफिर हो जाओगे इससे क्या बनेगा इससे ये होगा कि जिनके ईमान या तो कमजोर हैं या दूसरे जो अभी तक ईमान नहीं लाए हैं वो देखेंगे कि भाई ये तो सुबह में गए थे इन्होंने तो सबके सामने ईमान लेकर आए थे रात को ऐसा क्या हो गया कि ये कुफर पर आ गए ये दोबारा से अपने दीन पर आ गए तो उनके दिल में डाउट पैदा होगा और जिससे क्या होगा कि जो लोग ईमान लाने वाले हैं वो ईमान लाने से रुक जाएंगे और जो ईमान ला चुके हैं उनके दिल में क्या हो जाएगा शक पैदा हो जाएगा कि इनके दिन में नउूज़ बिल्ला कुछ खराबी है जब भी तो ऐसा हुआ कि वो सुबह सुबह ईमान लाया था और शाम तक ही काफिर हो गया तो ये क्या थी इनकी एक चाल थी कि लोगों को क्या किया जाए तजब्जुब में एक डाउट में डाल दिया जाए एक शक और शुभ में डाल दिया जाए ताकि लोग जो है यकीन के साथ ईमान ना लाए क्योंकि इन्होंने देखा था कि जो ईमान लेकर आ रहा था खास कर ये मदीने की बात है मक्का के मुसलमान तो वो मुसलमान ही थे जिन्होंने जो जो ईमान लाए थे, थे तो के उनको तोड़ दिया जाए काट दिया जाए पीट दिया जाए या उनकी जिंदगियां ले ली जाए या उनके उनको उनसे दुनिया और दुनिया और दुनिया माफी की कि सारी चीज़ें उनसे छीन भी ली जाए उनसे मालो दौलत उनसे माँ बाप भी छीन लिए जाए तब भी वो ईमान से नहीं फिरे ये मक्का के ईमान वालों का ईमान था कि उनको इतनी सख्तियां जो थी वो बर्दाश्त कर करके इतने पक्के हो चुके थे कि वो बिल्कुल भी अपने ईमान से हिले नहीं वो जम चुके थे अपने ईमान पर उनको हिलाना मुश्किल था लेकिन मदीना के क्या था मदीना के ईमान वाले जो थे उनके ऊपर वो कंडीशन और वो चीजें नहीं गुजरी थी जो मक्का के मुसलमानों पे गुजरी थी जो टॉर्चर और जो जो मतलब जो उनके ऊपर जो तशद गुजरा था वो मदीना वालों पर नहीं गुजरा था मदीना वाले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उनके ऊपर ईमान ला चुके थे तो उनके ईमान का लेवल उतना नहीं आ, था जितना इनका था जो जैसे अभी अभी और में से अभी कोई ईमान लेकर आया है या फिर अः मतलब अभी अभी जस्ट उसने ईमान को कबूल किया है तो उसके ईमान में अभी वो पुख्तगी नहीं है तो वो क्या पढ़ सकता है शक में पढ़ सकता है कोई भी इंसान देखे अगर उसको ऐसे एक्ट एक्ट आउट करके दिखाया जाए तो हो सकता है वो शक में भाई क्या बात हुई थी कि जो तुम सुबह में ईमान लाए थे रात को काफिर हो गए तो फिर वो क्या करेगा दस बुराइयां कर देगा इस्लाम की तो वो भी क्या हो जाएगा शक में आ जाएगा तो ये इनकी प्लानिंग थी लोगों को रोकने के लिए ताकि वो क्या करे ईमान ना लाए ठीक है तो हम देखते हैं इनशाला वो क्या 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 किया इन लोगों ने उन्होंने कहा अपने मानने वालों से उन अहले किताब के स्कॉलर्स ने एक ग्रुप में खास तौर पर उनके उल्मा और उनके स्कॉलर की बात है और कहा एक ग्रुप ने अहले किताब में से किताब वालों में से ई आमो ईमान लाओ बिल लजी उस पर जो उस पर जो नाजिल किया गया अला पर अल्लाजीना उन लोगों पर जो ईमान लाए यानी ईमान वालों पर जो कुरान करीब नाजिल किया गया उस पर सुबह क्या करो ईमान लेकर आ जाओ कब लेकर आ जाओ ईमान वजहन नहार वजह वजहन का मतलब होता है चेहरा वाओ, जीम, हाँ, रूट लेटर हमने पढ़ा था असलम तुजीजी मैंने तो अपना चेहरा झुका दिया उस अल्लाह के लिए है ना तो वजहा का मतलब होता है फेस। फेस अव्वल होती है कोई किसी भी चीज का जो फेस होता है उससे हम उसको पहचानते हैं तो यहाँ पर वज़हून का मतलब होता है अव्वल यहाँ पर जो फेस का मीनिंग लिया गया है वजहून का मीनिंग लिया गया है अव्वल वक्त अव्वल वक्त में ठीक है बिगिनिंग ऑफ द डे बिगिनिंग शुरुआत में शुरुआत किसके शुरुआत वजह शुरुआत वाव जी मार इसके रूट लेटर है वजह शुरुआत या अव्वल वक्त में किसके अन नहार अल द के लिए आ रहा है उर्दू में इसका हम तर्जुमा नहीं करेंगे खास करने के लिए और इसके रूट लेटर है नून नहार नहार का मतलब है दिन दिन चढ़े यानी दिन चढ़ रहा है जब सुबह सुबह हो रही है तो तुम क्या करो ईमान लेकर आ जाओ दिखावे के लिए शो ऑफ के लिए वजू अव्वल वक्त में अनहारा दिन के दिन के लिए हमने एक वर्ड यौम भी यूज किया था है ना यहाँ पर नहार मतलब सुबह नहार मतलब सुबह मॉर्निंग ठीक है, मॉर्निंग सुबह द डे डे भी आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं द डे बिगनिंग ऑफ द डे ठीक है अव्वल वक्त में दिन के अव्वल वक्त में सुबह के अव्वल वक्त में क्या करो ईमान लेकर आ जाओ सॉरी ईमान लेकर आ जाओ किस पर जो ईमान वालों को जो दिया गया है कुरान करीम उस पर ईमान लेकर आ जाओ वक फुरूहू व और एंड हरफेफ है कंजंक्शन वाओ यानी और उक फुरु उक फुरु ये कमांड है हुक्म है जैसे आमिनु है वैसे उक फुरु कमांड है हुक्म है ठीक है उक फुरु हुक्म अमर है कमांड है ऑर्डर है उक का मतलब है वावलिफ तुम सब का फरा कुफर कर देना कुफर कर दो या इनकार कर दो रिजेक्ट कर दो ठीक है कुफर कर दो इनकार कर दो आखिर आखिर देखिए अब हमने बताया था आखिर और आखिर में फर्क आखिर का मतलब होता है एंड लास्ट आखिरी आखिर का मतलब होता है आखिर लास्ट ठीक है और हु क्या है हमजा खोरा इसके रूट लेटर है आखिर अगर आएगा तो मतलब दूसरा और आखिर ख के नीचे जेर आएगा तो मतलब लास्ट आखिरी ठीक है उसी से आखिरत बना लास्ट आखिरी व और वाह तुम सब का फरा कुफ्र कर देना हु उस आ, हु आखिर हु आखिर आखिर में हु उसके हु क्या है अटैच प्रोनाउन जमीर मुतसिल है हु मतलब उसके इट It, इट्स इट्स एंडिंग उसके एंड में इट्स एंड तो उसके मतलब किसके हु की जमीर अन्नाहार की तरफ जा रही है उस दिन के सुबह में, उस दिन के अव्वल वक्त में क्या कर दो ईमान लेकर आ जाओ और उस दिन के आखिरी वक्त में इनकार कर दो सुबह को ईमान लाओ शाम को कुफ्र कर दो ला जी ला अब ये क्यों प्लानिंग की जा रही है इसका रीजन क्या है ला अल्ला। ला अल्ला वर्ड आया आपको पहले इससे पहले नहीं आया शायद सूरह आले इमरान में नहीं आया लाअल्ला ला का मीनिंग होता है शायद के शायद के और दूसरा मीनिंग होता है ताके शायद के या फिर ताके perhaps ठीक है शायद के या ताके परहैप्स सो दैट अब यहाँ पर ताके लाअल्ला ताके ये प्लानिंग क्यों की जा रही है ताके लाअल्ला ता, ताके शायद के हम अटैच प्रोनाउन है ज़मीर है, मुत्तसिल है हम मतलब वो सब दे ऑल शायद के वो सब ताके वो सब लाअल्ला ताके हम वो सब क्या करें ऊन यतान का या है या मतलब वो ऊना आ गया प्लूरल के लिए ऊना मतलब सब रजा इसके रूट लेटर रजा मतलब लौट आए लौट आना लौट आए दे रिटर्न दे मे रिटर्न कौन जो ईमान लाए थे हो सकता है वो भी लौट के आ जाए तुम्हारे साथ साथ तुम एक्टिंग करो तो शायद हो सकता है वो असल में ही लौट कर आ जाए ईमान से तो ये प्लानिंग इसलिए थी ताकि वो सब लौट जाएं जो ईमान वाले हैं वो भी पलट जाए और तुम्हारी तरह वो भी क्या हो जाए कुफर पर आ जाए ठीक है ये यहूद नसारा की प्लानिंग थी वह औरलत कहा तो आईफतन एक ग्रोह ने से अहल वाले अल किताबी किताब वालों में से किताब अहले किताब में से एक ग्रोह ने कहा आ ईमान ले आओ बिल लजी उस पर जो नाजिल किया गया उन जिला नाजिल किया गया पैसे वह अलापर अल्ला जीना उन लोगों पर जो आमनु ईमान लाए वजहन नहारी, दिन चढ़े दिन के अव्वल वक्त में व वा और वाहि तुम सब कफरू, कुफर कर देना आखिर उसके आखिरी हिस्से में दिन के शुरुआती अव्वल हिस्से में ईमान ले आना और दिन के आखिरी हिस्से में कुफ़्र कर देना लाअल्ला ताकि शायद के हम वो सब या वो वान सब रजा लौट आए वो सब भी ताकि क्या हो जाए लौट कर आ जाए वो सब भी तुम्हारी तरह से दोबारा से कुफर पर आ जाए जो ईमान लेकर आए थे वो दोबारा से या तो वो कुछ भी बन जाए लेकिन ईमान ना लाए चाहे वो यहूद बन जाए नसारा बन जाए मुशरिक बन जाए लेकिन ईमान ना लाए ये उनकी प्लानिंग थी ठीक है एक मरतबा रिपीट करते हैं आए को और कहा एक ग्ररोह ने अहले किताब में से ईमान ले आओ उस पर जो नाजिल किया गया उन लोगों पर जो ईमान लाए ईमान वालों पर जो नाजिल किया गया उस पर तुम ईमान लाओ दिन के शुरुआती अव्वल हिस्से में और तुम सब इनकार कर दो उसके आखिरी हिस्से में ताकि वो सब भी वो सब भी लौट आए वो सब भी पलट आए ठीक है तो ये उनके तरीके थे हीले थे ताकि वो क्या करें ईमान वालों को गुमराह कर दें एक मरतबा हम सारी आयतें रिपीट करते हैं गौर से देखें आयत नंबर सिक्सटी नाइन जिसमे रहीम वत चाहता है तो ग्रोमिन से अहल वाले किताब किताब वालों में से लव काश या वो, वो या वो वानु सब दिल्लू गुमराह कर दें ताकि वो सब गुमराह कर दें कुम तुम सबको व और माँ नहीं या वो वान सब दिल्लू गुमराह कर सकते गुमराह करते इल्ला सिवाय अनफुस नफ्सों को हम उनकी उनकी नफसों को अपनी जानों को अपने आप को व और माँ नहीं या वो वान सब शाहरा शुर रखते चाहता है एक गिरोह अहले किताब में से काश वो सब गुमराह कर दे तुमको और नहीं वो सब गुमराह करते सिवाय अपने आप को और नहीं वो सब शऊर रखते आयत नंबर सेवेंटी या किताब या अहल वालो अल किताब किताब वालो ए किताब वालो लिमा क्यों ता तुम वानो सब का कुफ्र करते हो इनकार करते हो बी का आयात आयात का अल्लाह अल्ला की आयतों का व और अन तुम तुम सब तानून ता तुम वानो सब शहदा गवाह हो ए अहले किताब ए किताब वालो क्यों तुम सब इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का और तुम सब गवाह हो तुम सब इस बात के शाहिद हो या आयत नंबर सेवेंटी वन या अहले अहल वालो अल किताब किताब वालो लिमा क्यों तुम वो सब लबासा लिबास पहनाते हो रंग चढ़ाते हो मिलाते हो हक हक को बी में अलबातिला बातिल में या बातिल के साथ क्यों हक को बातिल के साथ मिलाते हो खल मलब करते हो वह और सब का तमा छुपाते अंतुम तुम सब सब इल्म रखते हो जानते हो अहले किताब है किताब वालों क्यों तुम सब खल मलब करते हो मिलाते हो हक को बातिल के साथ और तुम सब छुपाते हो हक को और तुम सब इल्म रखते हो तुम सब जानते हो आयत नंबर सेवेंटी टू जिसमिल ओबा और, और कौलत कहा अहल वाले ईमान किताब, किताब वा ले आओ बी पर, उस पर जो उन नाजिल किया गया अला परजीना उन लोगों पर जो आमन ईमान लाए वजहा अव्वल वक्त में शुरुआती वक्त में अनहारी दिन के सुबह के या दिन के शुरुआती वक्त में व वा और वाहिफ तुम सब का फराकफर कर देना इनकार कर देना आखिर आखिरी हिस्से में हु उसके उस दिन के आखिरी हिस्से में इनकार कर देना लाला ताकि वो सब या वो सब रजा लौट आए ताकि वो सब भी शायद के वो सब भी पलट आए और कहा एक ग्रुप ने एक ग्रोह ने अहले किताब में से ईमान ले आओ उस पर जो नाजिल किया गया ईमान वाले लोगों पर दिन के अव्वल वक्त में और तुम सब इनकार कर दो उसके आखिरी वक्त में